हरियाणा के चुनावी रण में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी सीधे मैदान में उतरने की बजाय इंडिया गठबंधन को सहयोग करेगी। खुद सपा सुप्रीमो ने इसकी घोषणा की। अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव में सीट से ज्यादा जीतना जरूरी है, इसलिए हम लोग ये त्याग कर रहे हैं। सपा सुप्रीमो ने यह ऐलान किया कि इस वक्त में क्या किया है, जब हरियाणा में कांग्रेस पार्टी सीट शेयरिंग को लेकर सहयोगी दलों के बीच बातचीत कर रही है। हरियाणा विधानसभा की 90 में से कम 10 सीटों पर सपा चुनाव लड़ने की तैयारी में थी। पार्टी ने इसके लिए कांग्रेस से भी संपर्क साध दिया था, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी की 37 सीटों पर जीत के बाद यही सपा अन्य राज्यों में पांव पसारने में जुटी है। अन्य राज्यों में विस्तार के जरिए समाजवादी पार्टी की नज़र राष्ट्रीय दर्जा हासिल करने की है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पोस्ट पर लिखा कि हरियाणा चुनाव में इंडिया गठबंधन की एकजुटता नया इतिहास लिखने में सक्षम है। हमने कई बार कहा और एक बार फिर दोहरा रहे हैं, आगे भी दोहराएंगे कि बात सीट की नहीं जीत की है। अखिलेश ने आगे कहा कि हरियाणा के विकास में सौहार्द का विरोधी भाजपा का नकारात्मक सांप्रदायिक विभाजनकारी राजनीति को हराने में इंडिया गठबंधन की जो पार्टी सक्षम होगी, हम उसके साथ अपने संगठन और समर्थकों की शक्ति को जोड़ देंगे। सपा सुप्रीमो के मुताबिक हरियाणा चुनाव में बात 2-4 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की नहीं, बात तो जनता के दुख दर्द को समझते हुए उनको भाजपा की जोड़ तोड़ की भ्रष्टाचारी सियासत से मुक्ति दिलाने की है, साथ ही हरियाणा के सच्चे विकास और जनता के कल्याण की है। पिछले 10 सालों में भाजपा ने हरियाणा के विकास की ओर 200 साल पीछे ढकेल दिया। अखिलेश यादव ने सहयोगी पार्टियों को नसीहत देते हुए कहा कि समय अपनी राजनीति संभावना तलाशने की नहीं बल्कि त्याग और बलिदान की है। जनहित के परामर्श मार्ग पर स्वार्थ के लिए कोई जगह नहीं होती। कुटिल और स्वार्थी लोगों कभी इतिहास में अपना नाम दर्ज नहीं करा सकते। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे लोगों की राजनीति को हराने के लिए क्षण एक भी अपने ऊपर ना करें, अपने से ऊपर उठाने के लिए ऐतिहासिक अवसर है। हम हरियाणा के हित के लिए बड़े दिल से हर त्याग परित्याग के लिए बिल्कुल तैयार हैं। पिछले हफ्ते कांग्रेस के कद्दावर नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने कहा था कि सपा इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होगी, इसलिए उसे सीट देने की कोई बात ही नहीं है। हालांकि कांग्रेस हाईकमान ने राज्य इकाई को सहयोगी दलों के साथ लेने का आदेश दिया था। इसके बाद पार्टी सपा और आप जैसे दलों को सीट शेयरिंग पर बात शुरू की थी। कहा जा रहा है कि हरियाणा में समाजवादी पार्टी को गठबंधन के तहत 1-2 सीट लड़ने को मिल सकती हैं। जल्दी कांग्रेस की तरफ से इसकी आधिकारिक घोषणा भी कर दी जाएगी। ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।